नमस्कार ऑपरेटर साथियों, जो ऑपरेटर का देहांत हुआ है, तीन जगह देहांत हुआ है। पहला देहांत हुआ है महाराष्ट्र के रत्नागिरी के परशुराम घाटी में, जो ऑपरेटर हैं यूपी के। एक ऑपरेटर हैं जो मिजोरम में घटना हुआ है, उनका घर पड़ेगा झारखंड के हजारीबाग के बरही के रहने वाले हैं। और तीसरा ऑपरेटर जो है उनका घटना हुआ है उत्तराखंड के देहरादून में घटना हुआ है, उनका घर पड़ेगा जम्मू कश्मीर के डोडे जिले के हैं। और तीनों ऑपरेटर को संस्था की तरफ से शोक प्रकट किया जा रहा है और उनको एक आर्थिक मदद जरूर मिलना चाहिए संस्था की तरफ से भी, और मालिक या कंपनी जहां पर भी काम करते थे वहां से भी मुआवजा मिलना चाहिए ऑपरेटर साथियों को, ताकि उनका जो परिवार है इस दुखद परिस्थिति से उभर सके। दोस्तों, ये सब के लिए या दिलवाने के लिए आप सबको सहयोग चाहिए, साथ चाहिए। दोस्तों, संस्था की तरफ से कितना मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि आप लोग एक अनुमान लगा सकते हैं संस्था में कि संस्था में कितना भी डोनेशन आ रहा है और बहुत सारे खर्च भी हो रहे हैं, तो एक संस्था की तरफ से भी मुआवजा दिया जाएगा। और आप लोग एक संस्था एक मुआवजा तय करेगी कम तो कल मंगलवार को 7:30 बजे फेसबुक लाइव जुड़िए ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन फेसबुक पेज से। और जो ऑपरेटर अभी तक फॉलो नहीं किए हैं ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन पेज को, फेसबुक पर जाए, सर्च करिए ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन और फेसबुक पेज को फॉलो करें और 7:30 बजे कल लाइव जुड़े कि आधा देना पड़ेगा, तभी मुआवजा उनके परिवार को मिल सकता है। आप लोग का साथ जरूरी है, इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए आप ही लोग इतना मदद किए और सहयोग किए तो इतना संस्था आगे बढ़ रहे हैं। और एक उम्मीद रहता है हर ऑपरेटर को इस संस्था से, इसलिए उम्मीद इस संस्था है और इस संस्था को आगे बढ़ाने में आप लोग साथ दिए, इसके लिए आप सभी को आभार व्यक्त करते हैं सभी ऑपरेटर भाइयों को। और जिनके जिनके पास आईडी कार्ड नहीं है उनसे निवेदन है कि आईडी कार्ड जरूर बनवाइए ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन का। देखिए, आईडी कार्ड बनवाने से क्या होता है, अगर आप कहीं पर भी पेमेंट आपका फंसता है, ये देखिए आईडी कार्ड बनवाने के बाद जो पेमेंट का मुद्दा है ये आईडी कार्ड बनवाने के बाद होगा, और ये दुर्घटना का मुद्दा है ये हम सबको सहयोग करना पड़ेगा। अभी तीन ऑपरेटर थे, तीनों ऑपरेटर का आईडी कार्ड नहीं है, फिर भी हम इनको मुआवजा देने का ऐलान किए हैं। और कितना मुआवजा मिलना चाहिए फेसबुक लाइव से ही जुड़ के पता चलेगा, और आईडी कार्ड कैसे बनवाया हम उस विषय में भी हम आप लोगों को बताएंगे एकदम विस्तार से, अभी यहाँ पर हम आपको एक मिनट में जरूर बताएंगे। आईडी कार्ड बनवाने के लिए आपको एक फ़ोटो भेजना पड़ेगा, जो स्क्रीन पर नंबर शो कर रहा है 8092234004, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करिए और अपना एक फ़ोटो भेजिए। फ़ोटो भेजने के बाद एक फॉर्म आएगा या आधार कार्ड भेज दीजिए, अगर फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत हो रहा है तो आप अपना आधार कार्ड भेज दीजिए। आधार कार्ड भेजने के बाद जो संस्था का फीस है, जो फीस इसलिए लिया जा रहा है, आईडी कार्ड बनवाने के लिए फीस नहीं लिया जा रहा है, बल्कि अभी तीन ऑपरेटर का जो घटना हुआ है इनसे तो फीस नहीं लिया गया है ना, तो आपका जो लिया जा रहा है, जो जिनका परिस्थिति ठीक नहीं है, जिनको बहुत दिक्कत आ रहा है, उनको सहयोग दिया जा रहा है ना। और उनसे भी निवेदन करते हैं जिनका भी पेमेंट नहीं फंसा है, आप भी संस्था से जुड़िए, क्या पता समय कब किसका बदल सकते हैं, इसलिए आप लोग आगे आइए, साथ दीजिए और फेसबुक लाइव से जुड़िए 7:30 बजे ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन फेसबुक पेज पर। जय हिंद, जय भारत, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ऑपरेटर एकता जिंदाबाद।